हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह के हमने आपसे वादा किया था कि हम कोलगेट का एनालिसिस लेके आएंगे, तो सबसे पहले हम चैनल को देख लेते हैं। चैनल पे हम देखें तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, और बाय द वे 891 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं अभी, और वेरी नियर टू 1K। और 1K सब्सक्राइबर्स पे आपको पता है कि एक वीडियो भी आएगी जिसमें मेरा फेवरेट स्टॉक होगा, और उसमें आपको फिर बताया जाएगा कि उसमें रेगुलर डिविडेंड्स किस तरह मिलते हैं और ये सारा स्टफ। तो कोलगेट काफ़ी लोग कह रहे थे कि कोलगेट के बारे में बताएं, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो कोलगेट पे एक वीडियो बना देते हैं। तो वी आर बैक विथ कोलगेट, और हम उसका चार्ट भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एक मैंने कमेंट डाला है, एक मिनट तुम लोगों को अगर दिखा दूं। कम्युनिटी टैब पे हाँ, मैंने कमेंट डाला था। यहाँ पे कम्युनिटी टैब में ना ये मैंने कमेंट डाला है, एक बेस्ट स्ट्रेटजी है ट्रेंड को पहले ही रिकॉग्नाइज करने की कि ट्रेंड मतलब अपवर्ड जा रहा है या लो जाने वाला है, ठीक है। डू यू गाइज वॉन्ट अ वीडियो ऑन डेट स्ट्रेटजी, कि तुम लोगों को उस पे वीडियो उस स्ट्रेटजी पे चाहिए कि नहीं, ये मैंने पूछा हुआ है, ठीक है। अगर तुम लोगों को चाहिए तो यस कमेंट कर दो नीचे। मिनिमम 5 कमेंट होंगे तो मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा स्ट्रेटजी पे, और ये स्ट्रेटजी काफी करामद है कुछ स्टॉक्स के लिए, वो भी बताऊंगा। तो एक चीज होगी, ठीक है। इसके अलावा हम गूगल साथ खोल लेते हैं, साथ हम सर्च कर लेते हैं बुलिश सिमेट्रिक ट्रायंगल, ठीक है। अब ये तुम लोगों ने बस इसको एज अ या बुलिश ट्रायंगल होगा या बुलिश सिमेट्रिक ट्रायंगल होगा, ठीक है, पैटर्न। अब तुम लोगों ने ये इसको याद रखना है, इसको, ठीक है, ये ट्रायंगल को, ट्रायंगल की फॉर्मेशन को, ठीक है। अब हम कोलगेट को एनालाइज करते हैं। अच्छा, कोलगेट में ना ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए मैं डेली की जगह वीकली चार्ट पे जा रहा हूँ, और वीकली चार्ट वैसे कोलगेट पर मैं पहले भी एनालाइज कर चुका हूँ, जब वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी हाई प्राइस पे था तब हम उसको एनालाइज कर चुके हैं। तब भी मैं तुम लोगों को कहा था कि इसको डिप मिले तो उठाना, ठीक है। और अब जिस तरह के मैं पता है कि कोलगेट एक अपनी हायर प्राइस पे है, ठीक है, और यहाँ पे ना सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो कोलगेट हमारे पास तुम लोगों को लग रहा होगा कि बड़ा डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ये देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और तुम लोगों ने यहाँ से कह रहे होगे कि इसको नहीं बाय करना चाहिए, दिस एंड दैट स्टॉप, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोगों को ये मिथ तो क्लियर कर दूंगा, ये एक डाउन ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये एक तुम लोग समझ लो एक्यूमुलेशन फेज में है और प्रॉफिट टेकिंग वाली फेज में चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लोगों ने स्टॉक उठाना स्टार्ट किया हुआ है कोलगेट का 2007 से, ठीक है। इसमें कोई मेजर करेक्शन नहीं है, ये करेक्शन आई ये तकरीबन तकरीबन आपके पास 44% की करेक्शन, ठीक है। दूसरी करेक्शन आई आपके पास तकरीबन तकरीबन आपकी 30-40% की करेक्शन। तीसरी करेक्शन आई आपके पास तकरीबन तकरीबन 40 की करेक्शन, ठीक है। अब ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने यहाँ पे बाई किया हुआ है, जिन्होंने यहाँ पे बाई किया हुआ है, अब वो यहाँ पे जाके ये सेल कर रहे हैं सारे, ठीक है। अब वो सेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग भी तो करनी है। अब सपोज यहाँ पे किसी ने 1 लाख लगाया हुआ है, ठीक है, अब उसका 1 लाख का उसको गेन मिल चुका है तकरीबन 700%, मतलब 1 लाख का 7 लाख हो गया, तो वो पागल है कि वो नहीं निकालेगा, जाहिर सी बात है निकालेगा। तो इस तरह सारे लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे उठाया हुआ है वो उसको प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, विच इज गुड, और यहाँ पे नीचे जाएगा तो मजीद खरीद लेंगे। तो ये चीज है, ठीक है, ये एक चीज देखने वाली होगी कि ये एक बिल्कुल भी डाउन ट्रेंड में नहीं है। अच्छा, अगर ये थोड़ी मोटी कैंडल्स दिख रही है डाउन ट्रेंड की, तो ये पैलेस्टीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है, उनके वो जो जेनोसाइड चल रहे हैं पैलेस्टीन में, उस वजह से है ये कैंडल्स, क्योंकि एक इंटरनेशनल ब्रांड है और ऐसी बात है इंटरनेशनल ब्रांड इफेक्ट होंगे, इस तरह मे बी यूनिलीवर या नेस्ले भी इफेक्ट हो रहा हो, ये वो मैंने स्टॉक्स उनको देखे नहीं अभी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई बुलिश ट्रायंगल क्या पैटर्न होता है। बुलिश ट्रायंगल अब मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, तो तुम लोग नीचे कमेंट्स में जरा कर दिया करो भाई गुड एनालिसिस, या फिर मजा आया सीखने का, जो इस तरह की कोई चीजें कह दिया करो। तुम लोगों का कीबोर्ड कीबोर्ड लगेगा, और रोज तुम लोगों के पैसे नहीं मांग रहा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल ट्राइंगल क्या होता है। अब से बुलिश ट्राइंगल
और बियरिश ट्रायंगल। बुलिश ट्रायंगल क्या होता है कि अगर आपकी प्राइस नीचे से आ रही है, ठीक है, अब वो क्या हो रही है, इस एक ट्रायंगल के अंदर कंसोलिडेट करती है, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग होती है सारी, ठीक है, और एक शूट करती है। अब शूट करती है तो उसका टारगेट क्या होता है, जिस हिसाब से वो ऊपर आया होता है या मिनिमम इस वेज की क्लोजिंग और दोनों पॉइंट्स को मिलाओ और उसका ये तकरीबन टारगेट बनता है, ठीक है। अब तुम लोग ये देखो, ये नीचे से आया और यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये नीचे से आया, अब कंसोलिडेट कैसे कर रहा है वो भी तुम लोगों को मैं थोड़ी वाजे पिक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है। तुम लोगों को ये नहीं बताएगा कोई, मैं तुम लोगों को अभी बता रहा हूँ, तुम लोगों को इस तरह का एनालिसिस नहीं कोई देगा। जो ये कमेंट्स में आके कह रहे होते हैं कि भाई रॉन्ग एनालिसिस, तो आप भाई आप राइट एनालिसिस पे रख करो, अपनी अपनी यूट्यूब बनाओ, उधर राइट एनालिसिस करो, मुझे भी वीडियो भेजो, मैं भी देख के जरा थोड़ा ज्ञान हासिल करूंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें वाजे तौर पे ना ये फॉर्मेशन दिख रही है, ठीक है। अब ये देखो और इस चीज को साथ देखो, ये तुम लोगों को नजर आ रहा है, ये जा रही है, ये जा रही है, ठीक है, ये लाइन, और यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे अब शूट करेगा, ठीक है। अब कोलगेट हमें पता है फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, ठीक है, और ये ज्यादा गिर नहीं सकता, और इसकी ये अहम सपोर्ट है, ठीक है, ये इसकी अहम सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। अब इसकी प्राइस टारगेट हम देख लेते हैं, प्राइस हमारे पास कहाँ तक जा सकती है, तो इसकी प्राइस रेंज हमारे पास तकरीबन तकरीबन अगर मैं यहाँ से इसकी ब्रेकआउट को लगाऊं तो तकरीबन तकरीबन, या इसको ना मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ कि मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ ये थोड़ी देर और यहाँ पे एग्जॉस्ट होगा ट्रेंड, क्योंकि हमारे पास ये जो विक्स है ना, ये मैंने पहले इस तरह मतलब ये कैंडल्स को कवर करके लगाया हुआ था इस तरह, ये जिसमें कैंडल्स आदि कवर हो रही थी, तो मैं इसको मजीद प्रिसाइज करके इस तरह लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ठीक है, या फिर यहाँ से होगा ब्रेकआउट, ठीक है, या फिर यहाँ से होगा ब्रेकआउट, यहाँ से ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ये भी रिमूव कर दो। अच्छा, अब इन तीन जगहों से ब्रेकआउट होगा तो हमारे पास मिनिमम टारगेट्स क्या होंगे, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था कि इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो, और मैंने भी पिछली वीडियो अगर मैं तुम लोगों को जा के दिखाऊंगा, अब जा जाके चीजें दिखाऊंगा कि तुम लोग कहते हो फिर के बताता नहीं है सही। अब मैं तुम लोगों को जाके जाके चीजें दिखाऊंगा, मेरी कोलगेट की ये टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो जाके देखो, कि मैंने तुम लोगों को तब भी कहा था कि इसको जाके एक्यूमुलेट करो, ठीक है। ऐड आ गए, मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग बाय, अब ये ऐड खत्म होता है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, जाके पूरी वीडियो देखना फिर मुझे बताना, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था एक रेंज बन रही है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगी फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो उसकी रेंज भी बताई थी कि ये कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है और क्या वो सपोर्ट बना सकता है, ठीक है। तो ये तुम लोग जाके देखो कि मैंने ये, और ये तब स्टॉक चल रहा था 1570 रुपीज़ का, और तब मैंने तुम लोग को कहा था एक्यूमुलेशन इसकी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब ये डिस्काउंटेड, बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, 1330 रुपये का मिल रहा है स्टॉक आपको, ठीक है। अब यहां से देखो तुम लोग के जो 2800 की चीज है वो तुम लोगों को कितने की मिल रही है, वो तुम लोगों को -50% डिस्काउंट में मिल रही है, जो कि 1300-1400 रुपये की है, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था एक्यूमुलेट करो, मैं अभी भी कहूंगा एक्यूमुलेट करो, क्योंकि मुझे इस कंपनी पे यकीन है और ये मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी हो सकती है, ठीक है। और ये एक अपने प्रीवियस भी हमने इसकी चीजें देख ली है, मतलब कि इसकी हमने परफॉर्मेंस वगैरह देखी है, और ये हमेशा इसकी ईपीएस भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैं ये इस एग्जैक्ट टारगेट से नीचे का टारगेट रखना, क्योंकि एग्जैक्ट टारगेट हो सकता है कि वो अचीव ना हो, ठीक है। तो पहला टारगेट हमारा यहाँ से अगर शूट अप करेगा, तुम लोग यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दो, अभी बहुत डिस्काउंट पे चल रहा है, शूट अप करेगा तो हमारा पहला टारगेट होगा 2900 तकरीबन, 950 रुपये का, फिर 3060-70 रुपये का, फिर 3200 रुपये का। अब ये टारगेट हमारे इजीली हो सकते हैं इसके, ठीक है। और ये मैं तुम लोगों को बता दिया कि ये एनालाइज कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक चीज होगी। वो वीडियो पिछली वाली कोलगेट की जरूर जाके देखना कि उसमें किस तरह एनालाइज किया था और इसमें किस तरह एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके दरमियान ना इसको रेजिस्टेंस भी आ सकती है, ठीक है। अब इसके दरमियान हमें रेजिस्टेंस कैसे आ सकती है वो मैं उसकी रेंजेस तुम लोगों को बता देता हूँ, उन रेजिस्टेंस से ना तुम लोगों ने बच के रहना है, और
वो मतलब इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो आपको बीच में रेजिस्टेंस का काम दिखाएगी, ठीक है। और तुम लोगों ने अगर वो रेजिस्टेंस आई उस पर तुम्हें लगा कि भाई वहां पे स्टॉक रुक गया है, तो तुम लोगों ने उस पर प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट कर देनी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे आ सकती है तुम लोगों को। ये वाले जोन में तुम लोगों को रेजिस्टेंस मिल सकती है, ठीक है। अब ये वाला जोन तकरीबन तकरीबन तुम यहाँ पे माल उठाते हो ना यहाँ पे, तो ये जोन आते आते तुम लोगों को तकरीबन तकरीबन 50% का प्रॉफिट दे चुका होगा, मतलब तुम्हारा 1 लाख 1.5 लाख बन चुका होगा, ठीक है। अब तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने करना है कि अपना 30% 20% प्रॉफिट या इस हिसाब से जितना भी तुम लोग चाहो वो निकाल लेना और बाकी पड़े रहने देना। यहाँ अच्छी अप्रोच ये होगी कि अपना जो कैपिटल है वो एटलीस्ट निकाल लो, मतलब कि 1 लाख निकाल लो। और अगर तुमने ये मैं उससे यानी मैं कह रहा हूँ कि स्विंग ट्रेड्स कर रहे हो तुम लोग, मैं अगर इन्वेस्ट करना है तो आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट टेकिंग, ठीक है। तो अगर 1 लाख लगाया तो 1.5 लाख हो गया तुम लोगों का यहाँ पे यहाँ तक आते आते, ठीक है। तो 1 लाख निकाल लो बाकी पड़े रह लो, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से लॉट साइज इसका 20 का है तकरीबन, तकरीबन 30,000 के करीब ये स्टॉक आप इसका लॉट लॉट बनती है आपकी, ठीक है। तो ये चीज होगी हमारे पास, ठीक है। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं कि RSI किधर जा रहा है। अब RSI को देखो ना, तो RSI जो है ना हमारे पास बहुत माइनर नीचे 30-35 रुपए पे, तभी 30-35 के पॉइंट्स पे है, ठीक है RSI। अब इसका मतलब ये है कि जो आपका ये स्टॉक है ना ये बहुत ओवर सोल्ड है, मतलब कि बहुत सस्ते में मिल रहा है अभी, ठीक है तुम लोगों को। अब यहाँ पे तुम लोगों को ये स्टॉक सस्ते मिल रहा है, यहाँ पे एक RSI की सपोर्ट भी बन रही है और ये हो सकता है ऊपर चला जाए। अब इसमें ट्रेंड की कोई डाइवर्जेंस नहीं है, हमारे पास ट्रेंड भी नीचे है RSI भी नीचे आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई डाइवर्जेंस वाली बात भी नहीं है, ठीक है। और हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी हमने देख ली है, ठीक है। इसके अलावा हम मूविंग एवरेजेस देख लेते हैं, अब वो हमें क्या शो करवा रही हैं। लेकिन मैंने मूविंग एवरेज पे एक वीडियो बनाऊंगा और वो तुम लोगों को तब भी बताऊंगा कि जब वहाँ पे तुम लोग कमेंट्स करोगे। यहाँ पे मैं 100 की मूविंग एवरेज डालता हूँ और यहाँ पे मैं 50 की मूविंग एवरेज डालता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ नीचे आया, ठीक है। अब डेली पे आ जाओ, अब डेली पे देखो, अब ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, ये सेलिंग का क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है। ये स्टॉक नीचे गिरेगा और RSI नीचे है, ठीक है। तो कभी कभी ये मूविंग एवरेज गलत भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम लोग मंथली में देखो ना, जो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी आपकी एवरेजेस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मंथ पे देख लो तो हमारा मूविंग एवरेज जो है ना, इन इसकी मूविंग एवरेज और इस मूविंग एवरेज के दरमियान बहुत फर्क है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, 100 की मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, 100 की मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि ये प्राइस की असल तुम लोग कह लो कि औकात है, ठीक है। अब इसका ईएमए देखते हैं, अब ईएमए आए गैस के थोड़ी लो आएगी इससे ईएमए। अब ईएमए भी मैं 200 की डाल लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ 200 दिनों की ईएमए नहीं आ रही, इसको मैं 150 की डाल लेता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखो तुम लोग, जो 150 की ईएमए है ना, 150 या 200 की ईएमए, वो यहाँ पे सपोर्ट का काम भी कर रही है। इसका मतलब कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जा सकती है, कि RSI भी ओवरसोल्ड रीजन में है, ठीक है, जो कि आपको बता रहा है कि ओवरसोल्ड, खैर इतना भी ओवरसोल्ड रीजन नहीं है, मतलब RSI इस रीजन में है कि आपका इंटरमीडिएट है सारा कुछ, ठीक है। मतलब आपकी कोई ना ओवरसोल्ड है ना ओवरबोट है, और ओवरसोल्ड तब होगा जब ये 30 के नीचे आएगा। मैं 30 का टारगेट नहीं रखता वैसे, तो बहुत मैं टारगेट रखता हूँ 40 का, 40 के नीचे गया तो मैंने एक्यूमुलेशन मजीद स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अभी अभी मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है। तो अगर तो तुम लोग इसी तरह अगर मैंने तुम लोगों को जोन मार दिया ना, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, ये विक देखो, अब ये विक भी एक तुम लोगों को यही शो करा रही है कि ये यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। तो अगर तो ये ब्रेकआउट मारता है तो तुम लोगों के पास यहाँ पे जोन हो सकता है कि जहाँ पे तुम लोगों को थोड़ी स्ट्रगल देखने को मिले, कि ये थोड़ा ऊपर जाने में थोड़ा आपको वो करा रहा है
वेट करा रहे हैं यार, फिर मुश्किल हो गई उसको ऊपर जाने में। ठीक है, तो ये एक चीज देखने वाली है हमारे पास। अब यहां पे देखो, यहां पे इसने क्रॉसओवर दिया, इसने सिग्नल जनरेट किया कि सेल होगा। ठीक है, अब क्रॉसओवर सेलिंग बाइंग का क्या ताल्लुक है वो मैं वीडियो में ही बताऊंगा, अभी मैं नहीं। अब यहां से यहां पे तो तुम लोगों ने अगर यहाँ पे सोल सेल कर दिया होता इस सिग्नल के देखते देखते, तो तुम लोगों को अभी इतना लॉस ना हुआ होता। ठीक है, और अगर सपोज तुम लोगों ने यहाँ पे बाई किया ना, और यहाँ पे इस क्रॉसओवर पे बाई किया, ठीक है, और इस क्रॉसओवर पे सेल किया, तो तुम लोगों को कितना प्रॉफिट हो गया होगा? तुम लोगों को तकरीबन तकरीबन 27% का प्रॉफिट यहीं पे हो गया होगा। ठीक है, और ऊपर गया तो और प्रॉफिट, यहाँ पे तो हो ही गया होगा ना प्रॉफिट, और यहाँ पे अगर तुमने प्रॉफिट टेकिंग कर ली होती। अब ये सिग्नल्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, अपर क्रॉसओवर का क्या मतलब है, लोअर क्रॉसओवर का क्या मतलब है, ये मैं तुम लोगों को वीडियो में ही बताऊंगा, तो जाके कमेंट्स करो जाके। ठीक है, अब यहाँ पे इसने पहले सिग्नल जनरेट कर दिया कि सेल होने वाला है स्टॉक। अब यहाँ पे सेल हो रहा है स्टॉक, यहाँ पे पूरा सेल होके नीचे कितने परसेंट आ गया हमारे पास, हमने यहाँ से देखा तो हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 48% नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नल पहले ही जनरेट हो गया कि भैया ये नीचे जा रहा है। अगर इसी को हम हटा के ना हम 100 और 50 की ईएमए देखें ना, सिर्फ ईएमए, यहाँ पे हम 100 की ईएमए देखते हैं, एमए नहीं ईएमए। ठीक है, एमए और ईएमए क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है वीडियो में बताऊंगा एज यूजल। अब यहाँ पे ईएमए देखा तो इसने भी सिग्नल जनरेट किया। ठीक है, यहाँ पे अब इसने थोड़ा लेट सिग्नल जनरेट किया, बल्कि यहाँ पे इसने सिग्नल जनरेट कर दिया कि भाई ये स्टॉक नीचे गिरेगा, लेकिन एमए ने हमारे पास पहले सिग्नल जनरेट कर दिया कि ये यहाँ से नीचे गिरने वाला है। ठीक है, तो दोनों ने जब सिग्नल जनरेट किया तो हमारे पास स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक देखने वाली चीज है कि अब ये हमारे पास ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब आरएसआई हमें शो कर रहा है कि हमारे पास सपोर्ट जोन पे है आरएसआई भी है। आरएसआई हमेशा हमारा हमें हमें मोस्टली देखने को मिल रहा है कि 29 से सपोर्ट लेता है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये अपने 36 से अभी 30 पे जाएगा और फिर सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर आएगा। ठीक है, मतलब एक दो रेड कैंडल जोर बनेगी तकरीबन इस रेंज तक, अगर मजीद नीचे आए तो आरएसआई भी नीचे आएगा और फिर एक सपोर्ट का काम कर सकता है वो। तो ऑल इन ऑल एक लॉन्ग टर्म के लिए एक फंडामेंटली भी गुड कंपनी है, और टेक्निकल से भी हमें ये पता लग रहा है कि ये एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है, और एक्यूमुलेशन के बाद हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल आ सकता है, ये इसके टारगेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों ने अभी क्या करना है, अभी तुम लोगों ने इसके लॉट्स उठाने स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, 20-20 के लॉट्स उठा सकते हो। ठीक है, पहले अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को कहता हूँ कि पहले अपनी रिसर्च करो, ये ना हो कि भाई यहाँ पे आ जाए या 30-20-30 पे आ जाए, वैसे नहीं आएगा, कोलगेट है नहीं आएगा। मैं तुम लोगों को वैसे समझा रहा हूँ कि 800-900 रुपये पे आ जाए, फिर तुम लोग कहो तुमने कहा था बाई करो ये करो वो करो, तो मैं क्या करूंगा, मैं 800-900 रुपये मजीद उठाऊंगा। ठीक है, एवरेजिंग करूंगा। ठीक है, जब आपका टेक्निकल गलत हो जाए, ठीक है, तब आप क्या करते हो, एवरेजिंग, हमेशा ये मेरी बात लिखी पड़ी बात संभाल के पास रख लो। ठीक है, क्योंकि जब वो स्टॉक दोबारा उठेगा, कंपनी भी फंडामेंटली अच्छी है, स्टॉक दोबारा उठाएगा तो लोगों को ट्रिपल से 10 गुना तक प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अब ये ना कमेंट्स में आगे कहना कि रॉन्ग एनालिसिस, और तुमने ये कहा था कि ये उठेगा नहीं तो गिर जाएगा। लोटे केमिकल का भाई मैंने एनालिसिस किया था कि ऊपर जाएगा, वो 0.2 रुपीज या 0.4 रुपीज नीचे आया है, और लोग कह रहे हैं भाई ये रॉन्ग एनालिसिस है। तो ऐसे नहीं होता है भैया, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें चीजें। अब देखो मैं वीकली टाइम पे बता रहा हूँ, मतलब एक कैंडल जो बनेगी है 1 वीक की बनेगी, तो थोड़ा थोड़ा सा कल को हाथ मारो तुम लोग भी, कमेंट्स में आगे क्या क्या बातें कह रहे होते हो। ठीक है, तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैं खुद अपने लिए तो कर रहा, मैं तो ये करता हूँ डेली। ठीक है, तो अगर तो तुम लोगों की वीडियो पसंद आई है और समझ आई है चीज़ें, टेक्निकल्स की समझ आ रही है थोड़ी बहुत, अभी मुझे पता है थोड़ी बहुत चीज़ें मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब से वीडियोज बनती जाएंगी और तुम लोग खुद भी सीखते रहोगे और मैं भी सिखाता रहूंगा, तो तुम लोग मजीद प्रो हो जाओगे इसमें। ठीक है, तो अगर तो तुम लोगों को समझ आ रही है और तुम लोग ये भी चाहते हो कि मैं एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेजेस पे वीडियो बनाऊं स्ट्रेटजी की, जाके कमेंट्स करो जाके। और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।